देखा जाए तो वाकई में प्रलय तो खड़ी है हमारे सामने, और इस धरती पे जो माहौल हम देख रहे हैं, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। इस धरती पे करीबन 4,500 युद्ध हुए जिसकी गिनती की गई है। त्रेता और द्वापर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देवता दानव का युद्ध तो बहुत पुराना है। सिर्फ सतयुग था, जब सत्य का युग था तभी शांति थी, परम शांति थी। बाद में तो त्रेता और द्वापर में देखो कितने युद्ध हुए। भगवान राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा, असुरों को खत्म करने के लिए। एआई के कंट्रोल में आ गया। अब जो तुम सोचोगे वो एआई पकड़ेगा, वही एडवर्टाइज आपके सामने आएगी, वही चीज आपका लेने का मन करेगा और आप करप्ट हो जाएंगे। ये जो पुनर्जन, बिकॉज जैसे होता है आत्मा का साइकिल में घूम रही है, मतलब असेंशियली हम पुनर्जन ले रहे हैं बार 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 बार, तो ये पुनर्जन होता है? बिल्कुल पुनर्जन्म हो रहा है, साइंस ने प्रूफ किया है। इतने लोगों को हिप्नोटाइज करके पता किया है, कई लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है अपना पुराना घर, पुराने माँ बाप, रियल में पकड़ के उनके माँ बाप को जाके पूछा है, जहाँ वो घर की बातें करते थे। जैसे आज साइंस वाले मस्त बात कर रहे हैं कि हम तो टाइप वन में अभी 0.72 पर ही पहुंचे हैं, जब हम टाइप थ्री की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम पूरे गैलेक्सी की पावर हब कर लेंगे, हम यूनिवर्स को बना लेंगे, हम गैलेक्सी हम बना देंगे, हम एक बाल्टी पानी से मंगल पे पहुंच जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी। देवता भी उनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, और मनुष्य में भी है। क्या फर्क है? सिर्फ वो तीसरे लोक में है, वो अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं और हम मनुष्य बन के यह भोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज आप बैकड्रॉप देख के समझ गए होंगे, आज पहली बार हम अपने स्टूडियो में शूट नहीं कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम आए हैं गुड़गांव अनंत पटेल सर के आश्रम में। आज इस पॉडकास्ट की जर्नी में पहली बार हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमने पॉलिटिक्स, रिलीजन, अदर सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स, इवन एंटरप्रेन्योरशिप, काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए हैं। आज पहली बार हम स्पिरिचुअलिटी, एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा काफ़ी प्रिय है और जिसको मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहता था, पर एक अच्छे गेस्ट की तलाश थी और आज हमारी वो तलाश पूरी हुई। आज अनंत पटेल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त दिया। नमस्कार, धन्यवाद, परम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए हमारी संस्था में, और आज सभी दर्शकों को एक आध्यात्म का एक अर्थ समझ में आएगा, आध्यात्मिक जीवन समझ में आएगा। थैंक यू सर। शुरुआत सर, आप अपने बारे में और बापूजी के बारे में और जो आपकी संस्था है उसके परिचय से शुरुआत करते हैं, ताकि वो काफ़ी ऑडियंस जिनको नहीं पता है आपकी संस्था के बारे में, आप काफ़ी पॉपुलर हैं, आपकी काफ़ी संस्था को लोग जानते हैं, पर फिर भी जिनकी जानकारी नहीं है उनके लिए अगर आप एक परिचय दे सकें, इंट्रोडक्शन। तो हमारी संस्था 1998 में शुरू हुई, हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल जो कि मेरे रियल पिताजी हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, तो उन्होंने आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए 1997-98 में अहमदाबाद में चैनपुर गांव में एक आश्रम शुरू किया। नाम था विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय, आज भी चल रही है संस्था, पिछले 26वां साल चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे प्योरली वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे बापूजी देते हैं, और हमारी एक यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसके अंदर हमने ये सभी ज्ञान, योग, साधना कैसे करना और अध्यात्म से रिलेटेड हर क्वेश्चनों के जवाब दिए हैं। तो पिछले 25 सालों से ये जर्नी हमारी चलती आई है। वैसे मैं एक टैक्स एडवोकेट था और मेरे जीवन में पिछले 10 साल से मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ के मैं अध्यात्म में संशोधन कर रहा हूँ। आत्म जागृति के ऊपर हमारा अभियान चल रहा है, दुनिया का कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व में परम शांति कैसे फैले, हर जीव का कल्याण कैसे हो, 84 लाख योनि में फंसे हुए जीव कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे दिव्य आत्मा बने, चैतन्य आत्मा बने, परम 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 आत्मा बने, ये सभी चर्चाएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर की गई है। जी सर, उसी YouTube चैनल की वजह से ही मैं आपके बारे में जान पाया और तभी ये सौभाग्य मिला कि आपसे मिलने का। ये टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, मतलब ये बेनिफिट्स हैं आज की टेक्नोलॉजी के, कि आप और मैं बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, अगर ये YouTube नहीं होता तो शायद आज हम कभी नहीं मिले होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं असेंशली शुरुआत यहीं से करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि आत्मा का कल्याण कैसे हो, बेसिक जीवन का उद्देश्य वही है आखिर में, आपकी आत्मा का कल्याण करना, और मैंने वही मैं समझना चाहूँगा कि एग्जैक्टली एक इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कैसे कर सकता है। जो अभी तक जो भी मेरी लिमिटेड समझ रही है वो ये रही कि जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा,
और वो असेंशियली वही आपका गोल है, असेंशियली आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा या आपको मुक्ति मिल जाएगी और वही जीवन का लक्ष्य है। पर जिसमें मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे और समझ में आया कि स्वर्ग जाना अपने आप में गोल नहीं है, वो असेंशियली आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हो, मतलब आप आगे जरूर बढ़ रहे हो पर वो अंत नहीं है। तो इसके बारे में ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ा प्लीज विस्तार से बताएंगे दर्शकों को। देखिए आत्मकल्याण, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि हे पार्थ तुम एक आत्मा हो, आत्मा को समझो। तो हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम देह नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। शास्त्रों में हमें हमारी आत्मा को बताया ब्रह्म स्वरूप, तुम शिवात्मा हो, शिवो हम सर्वो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो दिव्य चैतन्य आत्मा हूँ। सबसे पहली जर्नी हमारी, जैसे हम शरीर को समझते हैं ऐसे ही हमें आत्मा को समझना है कि शरीर को चलाने वाला कौन है, क्या है वो एनर्जी, उस एनर्जी को चेतना कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, शिव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, हमारी आत्मा ही शिव है। तो ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट समझना कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ। अपने आप को ये समझना कि मेरा अंतिम गोल क्या है और उस गोल तक पहुँचने के लिए हम जो जर्नी करते हैं, राइट, सोल जर्नी जो हम कर रहे हैं, तो ये हमें समझते कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा से परमात्मा तक बनने की ये जर्नी है, हमारा जो मूल स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जो हमारा स्वरूप था, जो परम प्रकाश का स्वरूप था, उसके बारे में हम सब कुछ भूल चुके हैं। तो ये है आत्मकल्याण, कि अपने कल्याण के लिए अपने आप को जानना, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को जानना, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम जीवात्मा बने रहेंगे, जो सुख और दुख भोगता रहता है और उसी में आनंद लेता रहता है। इसलिए आत्म जागृति हमारा अभियान है कि अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों धरती पर फंस चुके हैं, पहले भी हम दिव्य आत्मा थे, देवताएँ थे, उससे ऊपर भी हम रहे हैं। तो ये सब इस विषय का आप इसमें आ सकता है, ये सब कुछ समझना पड़ेगा आत्मकल्याण के लिए जी। एक चीज़ जो मैंने देखा, जैसे आजकल के जो युवा हैं वो हर चीज़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब देखते हैं उसको, और अगर किसी चीज़ की आप लॉजिकल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे पाओ तो उसको मानना उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, अदरवाइज़ वो रीज़न और लॉजिक में अटके रहते हैं और समहाउ उसको मान नहीं पाते। तो मैं भी चीज़ों को उसी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा आत्मा, और आत्मा आजकल तो जैसे एलियंस का कॉन्सेप्ट है कि एलियंस, आत्मा सिर्फ इस धरती पर नहीं है, बाकी ग्रहों पर भी हैं, और आजकल एक नया शब्द सुना था मैंने एलियंस चैनलिंग करके, तो ये एग्जैक्टली क्या है ये, और मतलब ये देखो हम इसके ऊपर बात करने से पहले दो चार बातें और आपको बताना चाहूँ, क्योंकि ये बात आप जब समझेंगे एलियन चैनलिंग के लिए तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे जैसी अनंत पृथ्वियाँ हैं, हमारे जैसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत इन्फाइनाइट, जैसे आज बोलो ना कि भाई गैलेक्सियाँ कितनी यूनिवर्स में, तो कहते हैं सागर के तट पर जितनी रेती के कण हैं इतनी गैलेक्सी है, ये साइंस बोलती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ गैलेक्सी है तो वहाँ पे जीवन भी है, फर्मी पैराडॉक्स करके कंसेप्ट था। तो उसमें वो साइंटिस्ट बोलते कि मैं ऐसे कैसे ना मानूं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवन हमारे सिवा नहीं है। तो ये बात आई कि भाई ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिपल बनते हैं और बिगड़ते हैं जी। अब जैसे हम आधे घंटे में बात करेंगे तो आधे घंटे में कितनी गैलेक्सी बनेगी और ख़त्म भी हो जाएगी हमें पता नहीं, लेकिन ये आधा घंटा सिर्फ हमारा हुआ है, गैलेक्सी के तो लाखों करोड़ों साल बीत गए होंगे। तो जब एलियंस की बात आती है तो सोल जर्नी आती है जी। सोल जर्नी आती है कि भाई हमारे ब्रह्मांड की आत्माएं दूसरे ब्रह्मांडों में जाती है और दूसरे ब्रह्मांड की आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आती है। तो जो हमारे ब्रह्मांड का नहीं है, जो बाहर से आता है, उसको बापूजी ने एलियंस बताया, जो कि साइंस की भाषा में भी एलियंस ही बोलते हैं, जो इस ब्रह्मांड के नहीं हो, जो इस प्लेनेट के नहीं है, परग्रही, जो इस ग्रह के नहीं। तो अब वो लोग जो आते हैं उनका फॉर्म शेप सब कुछ अलग है, वो कोई पिक्चर की तरह दिखने वाले वो ब्लू वाले ऐसे रोशन के जादू के जैसे नहीं होते हैं, वो खिलौने जैसे नहीं है, ये सब सूक्ष्म। जैसे हमारी आत्मा है, इसका क्या शेप है कोई नहीं जानता। आत्मा निराकारी होती है जब परमधाम में होती है, बाल के हजारवा भाग उसकी छोटी सी साइज होती है, और फिर जब वो धीरे धीरे निराकारी से आकारी बनती है और फिर वो साकारी बनती है, इस शरीर को फिर वो बनाती है और प्रवेश करती है और फिर शरीर बनता है उसकी एनर्जी से, आत्मा की एनर्जी से। ऐसे ही सूक्ष्म जगत की जो एलियंस हैं जो हैं, ये सभी निराकार रूप में होते हैं, वो अपना आकार भी बदल सकते हैं, जो चाहे वो आकार ले सकते हैं,
ठीक है, ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे दिखने चाहते हैं, लेकिन वो उनका चेतना का स्तर हमारे से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ओके, उनका हमसे ज्यादा हाई लेवल है। हाँ, क्योंकि वो इतनी दूर से जर्नी करके यहाँ रहे, हम लोग तो यहाँ से पृथ्वी के बाहर भी नहीं जा पा रहे, उसका भी चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ऐसे बंधन है जिससे हम फंसे हुए हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जो एलियंस आते हैं, जो चैनलिंग की बात आती है, चैनलिंग का मतलब ये है कि माध्यम बनाना, मीडियम बनाना, किसी के द्वारा वो मैसेज देना, राइट। आजकल फॉरेनर्स वाले बहुत बातें कर रहे हैं कि हम एलियन चैनलिंग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरे ग्रहों से आए हैं, कोई पैलेडियम से आया है, कोई कह रहा है हम तो नज़दीक की दूसरी गैलेक्सी से आए हुए, एंड्रोमेडा से आए हैं, हम एंड्रोमेडियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कम से कम मैंने 25 टाइप के लोग सुने हैं जो कहते हैं कि हम तो इस गैलेक्सी से, कोई इस गैलेक्सी से, कोई इस गैलेक्सी से। तो वो आत्माएँ सोल जर्नी करके आई हैं, वो उनको माध्यम बनाती है और उनमें प्रवेश करके या उनको प्रेरणा दे के उनके मुँह से बुलवाती है, उसको कहते हैं चैनलिंग। चैनलिंग का मतलब यह है कि मैसेज वहां से वहां चैनल के माध्यम से, हाँ, उससे देना। जैसे मोबाइल बात करते हैं तो एक चैनल है जिससे वो बात की जाती है। तो इस तरीके से चैनलिंग चल रही है। जैसे आज भूत प्रेतों के बीच चैनलिंग चल रही है, आत्माएं प्रवेश करके लोगों में बताते हैं, कर्ण पिशाचिनी वो आत्माएं होती है, वो कान में बता देती है आपका भूत भविष्य। लेकिन ये सब एक लिमिटेड है, वो सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात करते हैं। जब एलियन चैनलिंग बात आती है तो फिर अनंत ब्रह्मांड की बातें आ जाती है। ये मतलब बहुत ही हाई लेवल लॉन्ग डिस्टेंस चैनलिंग हो गई जी। आपने भूत प्रेतों की बात की, तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी के मन में होता है कि भूत प्रेत होते हैं क्या, और होते हैं तो मतलब कैसे होते हैं, और एक चीज ये भी कि भूत में और प्रेत में फर्क क्या होता है, या दोनों सेम ही है? बहुत अच्छा सवाल है, आज के युवा का यही क्वेश्चन है कि भूत प्रेत है कि नहीं। क्योंकि जब भी मैं कॉलेज काल में था तो मैं यकीन नहीं करता था। तो मैं जब अपने फादर से, बापूजी जब मुझे बताते, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है, वो सब देख सकते हैं, तो वो मुझे बताते कि भी ऐसा ऐसा अनंत ब्रह्मांड है और ऐसी आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं, तो मैं तो इनकी बातों पे यकीन ही नहीं करता था। क्योंकि आज से 20 साल पहले हम बहुत पीछे थे, क्योंकि मोबाइल भी नहीं था और वायरलेस फ़ोन से काम चलते थे, शायद तार वाले फ़ोन थे। हाँ, तो ये बातों पे यकीन करना उस वक्त बहुत मुश्किल था। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भूत प्रेतों का अस्तित्व है। अच्छा, वो कैसे दिखते हैं? अब जैसे हर मनुष्य अलग दिख रहा है, सबके चेहरे अलग हैं। अब जैसे ही, क्योंकि हमारा ये शरीर तीन बॉडी है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हायर जो आत्मा है उनका महाकारण शरीर भी है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसका सूक्ष्म शरीर तो रहता है, जो कि तीन तत्व का बना है, आकाश, वायु और अग्नि का जी। तो ये तीन तत्व का जो फॉर्म है, जैसे वो जीते हुए लग रहा था, जैसे आज मेरी जो शक्ल है, अगर ये शरीर नहीं होगा तो ही ये शक्ल का मेरा आकारी रूप रहेगा। ठीक है, अब मैं बहुत बुरे कर्म करूंगा तो मेरे विचारों के कारण, मेरी भावनाओं के कारण वो जो शरीर, वो जो मेरा फेस है वो बिगड़ने लगेगा। जैसे आज कई लोग देखते हैं ना, शक्ल से ही राक्षस दिखते हैं, है ना। कई प्रजाति के लोग हैं, जैसे उनको अगर देख लिया, काली अफ्रीका के, ऐसे देख के बंदा डर जाए। तो क्यों ऐसा शेप आया? उनके सूक्ष्म शरीर के कारण, उनके विचारों के कारण। तो मृत्यु के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर, वही सूक्ष्म शरीर के साथ वो रहते हैं। अगर तो वो ऊपर की दुनिया में नहीं जाते और नीचे की दुनिया में ही रहते हैं और अपने ऊपर कोई काम नहीं करते, स्व परिवर्तन नहीं करते, तो वो और भी डिफॉर्मेटिव होते जाते हैं, शक्लें खराब हो जाती है, तो वो प्रेत बन जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं। और फिर वो धरती पे रह के अपनी इच्छा, वासना, कामना की पूर्ति करते हैं। जैसे एक सामान्य मनुष्य, कि एक सामान्य मनुष्य क्या करता है, जीवन मिला है तो करोड़पति बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, बंगले, गाड़ी, महल, बंगला ले लूं। ऐसे ही भूत प्रेतों में भी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये खा लूं, वहां चला जाऊं, ये सब मनुष्य और भूत प्रेत में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ तत्व का फेर है। मुक्त नहीं हो पाती वो आत्मा, मुक्त नहीं हो पाती। जैसे आज मनुष्य जीते जी कहते ना, ये तो जिंदा भूत है जी। जी हाँ, मतलब मजाक में कहते हैं पर हाँ, लेकिन वो बात सही है कि हम पांच तत्व के हैं, वो तीन तत्व के हैं, पर प्रॉब्लम यही है कि हम वही इच्छा, कामना, वासना से भरे हुए हैं जी। ये वो दो तत्व जो ड्रॉप हो गए, वो जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी जो आपने जब उनको जला, जैसे कहते हैं ना, शरीर में 75% जल है, तो वो जल जो है जल जाता है, और पृथ्वी जो मिट्टी तत्व है वो जल जाता है, तो आकाश, वायु, अग्नि तीन तत्व रह जाते हैं, और उसी से ये भूत प्रेत की दुनिया चल रही है। एक वीडियो देखा था मैंने आपका, जिसमें आप कह रहे थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भूत प्रेत को देख पाते हैं और तभी वो उसी की वजह से काफी रोते हैं कभी कभी। उसमें दो रीजन है, एक तो उसके पूर्व कर्म के, जैसे हमें सपना आता है, हमने कभी कुछ नहीं देखा, अंधा व्यक्ति भी सपना देखता है, तो कैसे देखता है? पूर्व जन्म की मेमोरी के हिसाब से।
तो बच्चे भी कई बार पूर्वजन्म की मेमोरी भी देख लेते हैं, उनको बातें याद भी आ जाती है, और कई बार हमारे घर में भूत प्रेत भी होते हैं, जो हमारे पूर्वज बैठे होते हैं वो उसको हंसाने रुलाने आते भी हैं, तो उनको दिखते हैं तो वो चिल्ला पड़ते हैं, मतलब बिना वजह चिल्लाने लग जाते हैं, तो सूक्ष्म जगत है तो उनको दिख जाते हैं जब तक उनका वो एक्टिव नहीं होता तब तक। ओके, और सर जैसे आपने कहा कि वो पूर्व जन्म की मेमोरी होती है, तो ये कितने जन्म का साइकिल है, मतलब इंसान को कब जाके दोबारा मानव जन्म मिलता है, या ये जो साइकिल है ये पूरा जन्म का और पुनर्जन्म का, ये एग्जैक्टली इसके बारे में बताएं। कमठ एक 8 साल का बच्चा था जो कि ब्राह्मण कुल में था, उसको भगवान सूर्य जो है उनके पास आते हैं उनकी परीक्षा लेने के, भी क्या जानते हैं, तो वो पूछने आया कि भी जन्म क्यों होता है, तो उसने बताया कि जन्म होने के 3 कारण, सतोगुणी भी जन्म लेते हैं, रजोगुणी भी लेते हैं, तमोगुणी भी लेते हैं, तो ज़्यादातर जो तमोगुणी जो लोग हैं मरने के बाद पेड़ बनते हैं, ये इस योनि में चले जाते हैं, 84 लाख योनि में सब कुछ है, पेड़ पौधे उसके अंदर भूत प्रेत देवता मनुष्य, ये 84 लाख योनि में बहुत बड़ी है, वायरस भी आ गए, जितना कुछ देख रहे हो जो लाइव है सब कुछ। हाँ, तो 84 लाख बहुत बड़ा नंबर है ऑब्वियसली, इसमें जी सृष्टि की सारी संरचनाएं उसमें आ गई है। तो तमो प्रधान लोग जो मरते हैं तो भूत प्रेत बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं, और फिर जो है उनको एक मनुष्य का जन्म मिल जाता है, कृपा से उनको मिल जाता है। तो ये जन्म का कारण यही है कि जो सतोगुणी है वो उनका जो कर्म के आधार पर स्वर्ग जाएंगे, वहाँ स्वर्ग भोगेंगे, फिर वहाँ पर जब उनका खत्म होगा तो फिर वो धरती पर आके मनुष्य बनेंगे, वो भूत प्रेत नहीं बनेंगे, वो ये जानवर योनि में कीड़े मकोड़े ये जानवर नहीं बनते, तो वो सतोगुणी है। तो ये जन्म के कारण है, मनुष्य धरती पर आया इसीलिए है कि अपने कर्म बंधन को चुकाए। आपका क्वेश्चन यही था ना, एक बार फिर से बताएगा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन यही था कि इंसान ये जो पूरा जो साइकिल है वो साइकिल को समझाइए आप, जो कि आपने समझा दिया काफी अच्छे से। हाँ, तो ये मनुष्य जो दिव्य चेतना था जी। परम आत्मा था, वहां से वो आत्मा बना और आत्मा से जीव बन गया, जीव मतलब टोटल अज्ञान, जो कुछ नहीं जानता, जैसे गधे के सामने तुम भगवान का नाम लो उसको क्या पता, वो तो बेचारा भोगियों में फंस गया, उसको तो ना अपना पता ना सामने मालिक का पता ना भगवान का पता, तो वो तो जीव योनि में फंस गया। ऐसे ही ये भोग योनि है, मनुष्य भी भोग योनि है, देवता को भी भोग योनि है, और इस भोग योनि में मतलब यातनाएं मिलती है, ये पूरा ब्रह्मांड मृत्यु लोक बन चुका है। हमारे बापूजी बता रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम गैलेक्सी यूनिवर्स और पूरा मल्टीवर्स भी मृत्यु लोक बन गया है, इसलिए वो इसको सभी तमाम आत्माओं को जगाने के लिए धरती पर आए हैं। तो ये एक चक्र है जिसमें मनुष्य फंस गया है कि परम धाम से जर्नी शुरू हुई थी, मृत्यु लोक में आके सबसे नीच लोक में आके फंसे, हालांकि इससे नीचे तलातल रसातल पाताल बहुत कुछ है, 7 लोक नीचे है, पर ये कभी आता है कभी जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, अपनी इच्छा कामना वासना के अनुसार। तो आपने बात की बापू जी ने जो ब्रह्मांड की व्याख्या की है परम लोक और महालोक, तो असेंशली बापूजी ने अपनी दृष्टि से देखा है जो कि आप और हम नहीं देख पाए, मतलब आप शायद फिर भी देख पाए, मैं तो नहीं देख पाया जी, तो हम देख तो शायद ना पाए, पर बापूजी ने जो व्याख्या की है आई एम श्योर आपको उनसे काफ़ी ज्ञान मिला होगा, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया होगा, तो कैसा है ये ब्रह्मांड और मतलब क्या कैसी व्याख्या की उन्होंने कुछ देख के जो बताया उसके बारे में बताइए। ये ब्रह्मांड की व्याख्या ऐसी है कि काजल की पोटली है, जो भी इसके संपर्क में आएगा दाग लागे ही लागे। ये ब्रह्मांड जो हमारा 14 लोकों का ब्रह्मांड है, जिसमें ऊपर के 7 लोक दिव्य लोक हैं, नीचे के 7 लोक तमो प्रधान आत्माओं के लिए बनाए गए, जिसमें पाताल रसातल तलातल, जिसमें आत्माएं भोग वो कष्ट भोगती हैं, ऊपर सुख भोगती है नीचे दुख भोगती है। तो ब्रह्मांड एक साइकिल है, एक समय है, जो परमात्मा शिव ने इस ब्रह्मांड को बनाया, और शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सृष्टि को बनाया, मनु के द्वारा संसार बनाया, मनुष्य सृष्टि बनाई, तो पहले तो परम पुरुषों की दुनिया थी, ऐसी दुख वाली दुनिया थी ही नहीं। ओके, और ये लगभग कब कितना पहले? ये तो ब्रह्मा के पहले 10 दिनों के दौरान, क्योंकि ब्रह्मा की आयु है 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल, धरती के 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल, और उसमें जैसे देवताओं की आयु से ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाएगा, देवता फिर प्रलय होगा तो सब वो भी बदल जाएंगे, तो यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये अमरत्व जो हमारा सत्य में कहते हैं ना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये कोई रियल में नहीं जान पाया, हम मृत्यु लोक में बंधे ही रहे जी। हमने अपनी अमरता को नहीं जाना, हम अमर हैं तो कैसे हैं, हमारी अमरता ज्ञान से प्रूफ होती है,
हमारे अस्तित्व से प्रूफ होती कि मेरा दिव्य स्वरूप वो था, मेरा शरीर का कोई उम्र नहीं है, ये तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं, आवरण है शरीर तो, शरीर तो आवरण है। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों से बना हुआ है, ये आवरण है अलग अलग, इसमें आत्माएं ऊपर से नीचे जर्नी करती, नीचे से ऊपर करती हैं, इच्छा कामना वासनाओं के अनुसार वो रूप रंग आकार कद सब बदलती रहती है। जब दुख बहुत कर्म कर लेता है, बुरे कर्म, तो फिर कष्ट भी, जैसे हमारे गरुड़ पुराण में बताया ना कि उसको तला जाता है, ये चीज़ें होती हैं, तो वाकई में उनको कष्ट भोगना पड़ता है कर्म को। इसलिए आज भी मनुष्य देखो धरती पे जन्म लेते ही बुरी दशा में जन्म लेते हैं, तो वो उनको कर्म भोगना, ये कर्म प्रधान जगह है ना, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है फास्ट गति से। जीव प्रयत्न करे तो शिव बन जाए, और शिव इच्छाएं कर करे तो फिर वो जीव बन सकता है। तो ये धरती का एक ये गजब का ये दुनिया है जी। एक चीज़ में पूछा था, टाइम ट्रैवल जो है ये पॉसिबल है क्या, मतलब इंसान के लिए है या नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली क्या आत्मा टाइम ट्रैवल कर सकती है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम ट्रैवल क्या है, समय यात्रा। तो मैं आपको ये समय यात्रा इसलिए समझाना चाहता था, और अभी ये क्वेश्चन भी आ गया, तो एक ब्रह्मांड का जो हमारा समय है वो निश्चित है। ब्रह्मांड ने, जब शिव ने ये ब्रह्मांड बनाया तो एक समय फिक्स किया, और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के भी समय फिक्स है, क्योंकि धरती पे शिव की रचना है, महाशिव की रचना है, परम महाशिव की रचना है, गैलेक्सी यूनिवर्स बहुत सबके अलग समय चल रहे हैं। अब मैं यहाँ से जो हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, इसको बापूजी ने ब्रह्मांड बताया ताकि एक प्रकाश वर्ष का है, वो भी शास्त्र से कनेक्टेड बात है कि क्यों भाई आपने, आप तो वैसे ब्रह्मांड मतलब तो यूनिवर्स होता है हिंदी में, तो आपने क्यों सोलर सिस्टम पसंद किया बोलना, तो उसका भी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पावर, जितनी पावर थी उससे बनाया, तो एक प्रकाश वर्ष का ब्रह्मांड बनाया, तो इसीलिए ये एक प्रकाश वर्ष मतलब हमारा सोलर सिस्टम का ही दायरा है, तो इसीलिए एक ब्रह्मांड शिव ने बनाया हुआ एक ब्रह्मांड। तो जब हम ये ब्रह्मांड से हमारी आत्मा निकल के दूसरे ब्रह्मांड या गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में पहुंचती है, तो यहाँ से वहाँ का समय पूरा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ की घड़ी और वहाँ की घड़ी बहुत अलग है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण से और समझाऊँ कि मुचुकुंद नाम के एक राजा थे, वो स्वर्ग में गए, स्वर्ग में गए, तो वहाँ जाके इंद्र भगवान ने उसको बोला, तेरे को मैं वरदान देता हूँ, ये है वो है। तो उसने कहा, महाराज आपने जो दिया वो ठीक है, पर मुझे अभी धरती पे वापस जाना है, मेरे बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तो उसने कहा, तू इतनी घड़ी यहाँ रहा है ना, तो अभी मैं तेरे को उनके पास वापस नहीं भेज सकता। उसने बोला, ऐसा कैसे, अभी तो मैं आया हूँ। तो बोले, भाई नीचे तो पूरे युग बीत गए, समय परिवर्तित हो गया है। तो सिर्फ स्वर्ग में, तीसरे लोक में और हमारी पृथ्वी पे इतना अंतर है समय का, तो समय यात्रा शरीर से नहीं हो सकती, आत्मा से हो सकती। तो इस कॉन्सेप्ट को तो साइंस भी काफी मानता है कि मतलब आप एक्चुअली में स्पेस में अगर आप यू ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, तो आपकी एक्चुअली एज बढ़ेगी नहीं, मतलब इवेंचुअली आप घूम के आ जाओगे और आपकी एज नहीं बढ़ेगी। आप मतलब एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है मुझे भी नहीं मालूम है, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ। हाँ, इंटरस्टेलर की जो एग्जैक्टली जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली वो वही थ्योरी है वो। तो जी, आप कुछ कह रहे थे जी। तो आत्मा चेतना से हम ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी चेतना ट्रैवल कर सकती है, हमारी आत्मा में जितना पावर है उतने ही ब्रह्मांड क्रॉस कर सकते हैं, उतने ही गैलेक्सी क्रॉस कर, उतने ही यूनिवर्स क्रॉस कर सकते हैं, उतने ही मल्टीवर्स क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिएशन है, जो कि हमारे बापूजी ने उसको कला के हिसाब से समझाने की कोशिश की कि ये जो पूरा एक कला की पावर से भगवान शिव ने ये ब्रह्मांड बनाया था, और धरती पे जो मनुष्य वो तो 0 कला के हो गए, क्योंकि अपने विचारों में शक्तियाँ खत्म हो गई, तमो प्रधान हो गए, कर्म बंधन में फंस गए, तो वो जीव बन गए, इसलिए पावर उसकी चली गई। जैसे भगवान राम 14 कला पावर थी, भगवान कृष्ण में 16 कला पावर थी, तो उतनी पावर से वो पहाड़ उठा लेते थे, नदियाँ वो हिला देते थे। जैसे हमारे एक ऋषि मुनि ने, जब असुर जो है वो समुद्र के तल में चले गए, तो उन्होंने अपनी पावर से समुद्र का सब जल पी लिया, फिर असुरों को बाहर निकाला, फिर उनको मारा, ये सब कहानियाँ हैं। तो आत्मा में वो पावर थी। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा में अगर पावर आए, ऊपर की कला की पावर आए, तो आत्मा ट्रैवल करके मल्टीवर्स को भी क्रॉस कर सकती है, वो बेहद में चली जा सकती है, और ऐसे अनंत लोक की यात्रा कर सकती है जब आत्मा में ज्ञान आए और पावर आए। बेहद असेंशियली इज लिमिटेड, इनफिनिट है ना। हाँ, बेहद, जैसे इसलिए हमारे बापूजी ने जो ज्ञान दिया वो है बेहद का ज्ञान, तो इनफाइनाइट डायमेंशन का ज्ञान, जहाँ पे जैसे आजकल कोई 4D 5D की बातें कर रहे हैं, पर ये तो सब ब्रह्मांड की बातें हैं,
ज़्यादा ज़्यादा गैलेक्सी की बातें हैं, क्योंकि कोई अभी तक ऐसी आत्मा नहीं आई कि बोले कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया। हालांकि पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट है साइंस के अंदर, हमारे हमारे शास्त्र में भी बात बताई है, लेकिन इतनी डीप नहीं है, क्योंकि यहाँ का मनुष्य का चेतना बस यहीं तक की है कि बस हम यहीं खाए पिए, खुश रहे, घर मकान बंगला हो, बच्चे हो, बैंक बैलेंस हो, बस ये है। तो चेतना का विकास इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो आत्मज्ञान में नहीं जाते, ब्रह्म ज्ञान की ओर नहीं जाते। ये इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। चेतना का विकास होगा तो आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागेगी। अगर आप दूसरे ब्रह्मांड से आए तो आपके भीतर इतनी शक्तियाँ हैं कि आप खुद भी एक ब्रह्मांड यूज़ करो, जिसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन की बात है। जैसे आज साइंस वाले मस्त बात कर रहे हैं कि हम तो टाइप 1 में अभी 0.72 पर ही पहुँचे हैं, जब हम टाइप 3 की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम पूरे गैलेक्सी की पावर हब कर लेंगे, हम यूनिवर्स को बना लेंगे, हम गैलेक्सी बना देंगे, हम एक बाल्टी पानी से मंगल पर पहुँच जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी। हमारा एक स्पेशल वीडियो बापूजी के हमने बनाया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 टू टाइप 40 तक की बात की, तो उसके अंदर ये सब बातें हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब साइंस के साधन तो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं ना, 20 साल में से भी हम यहाँ तक पहुँचे, अभी हमारे पास परम प्रकाश की गति भी नहीं है, तो हम कैसे ब्रह्मांड को क्रॉस करेंगे? सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट 2030 में बोलते हैं हम मंगल पे जाएंगे, भाई कैसे जाएंगे? हालांकि वो जो भी जितने भी करोड़ किलोमीटर है वो आराम से जा सकते हैं, हमारे रोवर तो पहुंच चुके हैं वहाँ पर, लेकिन शरीर के साथ कैसे जाएं? एक रिस्क है वहाँ पे जाने का। हालांकि सूक्ष्म जगत है, वहाँ पे ऑलरेडी आत्माएं रहती है, चंद्रलोक में आत्माएं रहती है, मून पे आत्माएं रहती है, पूरा सोलर सिस्टम आत्माओं से भरा हुआ है, हर ग्रह पे जीवन है, लेकिन वहाँ पे उस तरीके के तत्व, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर वो जल है या वायु है, वहां पर वो जल ना हो कि हो सकता है कोई और तत्व? नहीं, जल में भी और डीप में जाएंगे तो आपको और तत्व का डिफरेंस मिलेगा। जैसे आत्मा परम तत्व की थी, परम लाइट की थी, तो कहीं पर वो आत्माएं दूसरे यूनिवर्स के अंदर 0.01% है, किसमें परम तत्व 0.03 है, तो ये तत्वों की मात्राएं ऊपर नीचे हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में तो आकाश, वायु, अग्नि का जो तीन तत्व है, वो तीन तत्वों से आप इसमें घूम सकते हैं। कई किताबें हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी आत्मा मंगल पे गई, शनि पे गई, लाइफ आफ्टर डेथ की बहुत सारी बातें लिखी है, और बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम सही है, जो कि हमारे पुनर्जन्म परलोक की गीता प्रेस की एक बुक है, अगर आप पढ़े इसे तो माइंड ब्लोइंग, आपके ये सब कंसेप्ट क्लियर होने लगे लाइफ आफ्टर डेथ के। क्या नाम है? पुनर्जन्म एंड परलोक, पुनर्जन्म और परलोक, गीता प्रेस की ऑथेंटिक, काफी रेप्यूटेड है। उसमें बताया कि एक आदमी 3,000 वर्ष तक जन्म लेने के लिए पेड़ पे बैठा रहा। 3,000 वर्ष तक जन्म लेने पेड़ पे बैठा रहा। हाँ सोचो, तो देखो हम तो एक अच्छे ऐसे समय में हम पैदा हुए हैं कि यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी है। आज से 50 साल पहले क्या टेक्नोलॉजी थी? कोई सोच नहीं सकता कि हम लोहे के डिब्बे में बैठ के प्लेन में उड़ेंगे। दुनिया का राजा भी घोड़े पे बैठ के इधर से उधर जा रहा था। ये टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। धरती लोक में क्या ही टेक्नोलॉजी हो सकती? ऊपर के लोक में टेक्नोलॉजी थी जब आत्मा में पावर था, लेकिन जब आत्मा में पावर चली गई तो भाई हम जीरो हो गए, हमारी समझने की शक्ति जीरो हो गई, आत्मा डिग्रेड हो गई है। डिग्रेड हो गई, जितनी तमो प्रधान बनती जाएगी उसकी समझ शक्ति एकदम खत्म हो जाएगी। जो तमोगुणी व्यक्ति है ना, वो नए जन्म में एकदम बुद्धू पैदा होगा, जैसे नहीं कहते इसको तो कुछ आता ही नहीं है, एक और एक दो भी नहीं समझ आता, कितनी बार सिखा है इसे, तमोगुण में ऐसा होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि तू अगर इस मार्ग में बहुत इसमें जाएगा तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आत्मा का अधोगति में चली जाएगी आत्मा। तो ये जो हमारी सोल जर्नी की बात थी ये चलती रहती है, और ये जो हमारा बात हो रही थी कि अनंत क्या बोलते हैं टाइम ट्रैवल की, तो टाइम ट्रैवल हो सकता है पर आत्मा से हो सकता है, आत्मिक रूप में हो, फिजिकल रूप में नहीं हो। फिजिकल रूप में तो आप शायद सोलर सिस्टम में आने वाले समय में पहुंचो, अभी तो नहीं, जैसे 2030 है, 40 है, 50 है, शायद उस वक्त जो है यान में बैठ के इंसान वहां तक पहुंचे, क्योंकि अभी परम प्रकाश के साधन नहीं बने। परम प्रकाश के साधन जो आने वाली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, AI तो काम कर ही रहा है। आपने बात की आत्मा के डिग्रेडेशन की, और मतलब किस तरीके से आत्मा वक्त के साथ कमजोर होती चली गई और इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। एक सवाल ये कि आप भविष्य कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा? मतलब ये मानवीय होगा, दानवीय होगा? एक तरफ आप देखो तो समाज में धर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म का प्रसार हो रहा है। सडनली आज से 5 साल पहले जितने लोग धर्म के बारे में बातें करते थे उसके 10 गुना लोग आज की तारीख में हर मुद्दे पर धर्म की बातें कर रहे हैं। तो आपको लगता है अच्छी बात है ना, समाज धार्मिक हो रहा है, अच्छा वक्त आएगा? अखबार पढ़ लो तो ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो आप एक सभ्य समाज सोच के भी
घृणित हो जाए, समझ रहे हो? तो आपको लगता है यार ये तो कति पतन की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वक्त कैसा है, भविष्य क्या है? देखो जैसे बापूजी हमें समझाते हैं कि धरती पे देवता दानव यक्ष किन्नर सभी है जी, ठीक है, सभी लोगों के लिए धरती पे तो सेम समय चल रहा है जी, लेकिन चेतना का स्तर कैसा है, अलग अलग है। सतोगुणी का हाईएस्ट लेवल पे है, रजोगुणी इच्छा कामना वास्तव में फंसा हुआ है, और तमोगुणी तो छीन छीन के खाने वाला है, मतलब एक मनुष्य दूसरे को खाएगा आने वाले समय में। तो जो 33 कोटि देवता वाली आत्माएं हैं वो तो उनके लिए तो गोल्डन पीरियड शुरू है, क्योंकि उनको जो चाहिए आत्मा का जो भोजन है वो चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला ना कि भगवान सूर्य कमट ऋषि के पास आए, वो 8 साल का बच्चा, और उनको बोलने लगा मुझे वास्तविक भोजन दो, तो उन्होंने ये जो ज्ञान की बात बताई कि आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक भोजन है। अगर हमारे में वो आत्मा का ज्ञान नहीं रहा तो हम कहें कैसे हमारी चेतना का स्तर ऊपर होगा। तो हमारे लिए तो हर दिन कलयुग का सबसे घटिया दिन आएगा जी। तो तमो प्रधान लोग हैं, वो तमो प्रधान हरकत करेंगे जब तक वो ना सुधरे तब तक। दुनिया में जितने साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा बढ़ेंगी, धर्म का प्रचार होगा, लोगों के अंदर आत्म जागृति आएगी, तो उनके लिए अच्छा पीरियड आएगा। लेकिन ओवरऑल धरती पे असुर आ चुके हैं। जैसे मैं तो खुल के बोलता हूँ, चाइना वाले जो लोग हमें शांति से जीने नहीं दे रहे, हमारी जमीनें खा रहे हैं, जो नहीं जीने दे रहे हैं वे सभी राक्षस प्रकृति की आत्माएं हैं, और वो चैन से जीने नहीं देगी जब तक देवता नहीं जागेंगे। 33 कोटि देवता हमारे भारत देश में है, वो जागेंगे, सनातनी है वो, जब जागेंगे तो देखेंगे इंडिया नंबर वन होगा जी। हाँ, और इतनी उनके अंदर शक्ति होगी कि असुर जो है वो धीरे धीरे लेवल में आ जाएंगे जी। बात करते हैं लेवल में, हाँ इतनी टेक्नोलॉजी हमारी हाई होगी, वो क्या ही करेंगे, वो अपनी जमीन हाथ जोड़ के देंगे ले लो वापिस, ये समय आएगा। आप इसको अच्छा कहो बुरा कहो, लेकिन हमारा बस मेन कंडीशन ये है कि 33 कोटि देवताएं जागे, तब तो हमारे लिए सुपर डुपर समय आ रहा है। और नहीं भी, क्योंकि इसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी जितनी भी दिव्य आत्माएं जागेंगे अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल को बदलेंगे। अब वायुमंडल बदलना सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज। जैसे हम कहते हैं ना ये पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन ये तत्वों की हो रही है, लेकिन एक हमारे विचारों का भी एक पॉल्यूशन है, नेगेटिव विचारों का एक पॉल्यूशन है। अगर सभी लोग अच्छे बन के पॉजिटिव सोचना शुरू करें, दुनिया अच्छी हो, कोर्ट केस कम हो, लड़ाई झगड़े कम हो, तो आप सोचो कितनी बढ़िया दुनिया। हर घर में लड़ाई हो रही है, अगर वो खत्म हो तो कितना अच्छा वायुमंडल होगा। आप किसी के घर में झगड़ा हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, उस घर में पैर रखो, अपने आप पता चलेगा यार यहाँ कुछ हुआ है। और जहाँ धार्मिक है, जहाँ सत्संग हो रहे हैं, वहाँ जाओ, अरे क्या मस्त वायु है ना। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये सात्विक आत्माएं, दिव्य आत्माएं, जागृत आत्माएं, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती हैं, जो उसकी आत्मा की शक्ति है उससे परम शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध होगा और देवताओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। मान लीजिए आप अगर इस दिव्य ज्ञान को सुन के समझाएंगे तो आप सबसे पहले क्या करके अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर ये चैलेंज आने वाली है। हम तो निकल गए लेकिन वो मरने के लिए बेचारे छूट जाएंगे आप, लेकिन अगर उसको हम जागृत कर ले, जैसे एक शास्त्र में कैरेक्टर था, मैं नाम भूला हूँ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान दे दिया। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान देते ही उनके जितने भी बच्चे हुए उसमें एक जो बच्चा था उसको, वो राजा की वो रानी थी, तो उसने एक बच्चे को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया क्योंकि उसको राजा बनना था, बाकी सभी ऋषि बने और उन्होंने दुनिया का कल्याण किया और वो मोक्ष को पाया। फिर अंत में मृत्यु के समय पर राजा को भी मोक्ष मिला जब उनको ज्ञान दे दिया गया था। तो ये कहने का मकसद ये है कि ऐसी आत्माएं धरती पे जागृत होगी तो मोक्ष के बारे में, आज हम कोई मोक्ष की बात नहीं कर रहा, कोई आत्मा की बात नहीं कर रहा, हम बस यही कह रहे कि क्या पढ़ रहे हो, क्या डिग्री मिल रही है, कब शादी है, कितने बच्चे हैं, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, क्या है समाज में, मजा आ रहा है कि नहीं। अरे दुनिया में हर जीव आनंद चाहता है, इवन कीड़ा मकोड़ा भी आनंद चाहता है, लेकिन तुम अपने आप को तो जानो भाई, कब तक कीड़े मकोड़े रहोगे, यही बुद्धि के साथ कितने दिन जीओगे। तो ये जब देवताएं जागेंगे तो वायुमंडल बदलेगा। और देखो अगर देवता नहीं जागेंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर पक्का है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि इस धरती पे अनंत ब्रह्मांडों से आत्माएं आई और सब लोग अपने पृथ्वी को कब्जा करना चाहते हैं। न सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर सूक्ष्म जगत आया है और सभी लोक में वो पहुंच चुके हैं। एलियंस भी आए हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सब अच्छे भी हैं, अच्छे हैं तो अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छी चीज़ें बन रही है, और बुरी टेक्नोलॉजी से बुरे बॉम्ब भी बन रहे हैं। एक ऐसे बॉम्ब बन रहे हैं कि 2 मिनट में पृथ्वी खत्म, कुछ सोचने का समय नहीं, सिर्फ दबाने भर की देर है,
लेकिन ये अच्छी आत्माओं के कारण ये पृथ्वी बची हुई। आपने जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, आपका एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने कहा था कि भूत प्रेत थर्ड वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं। और जो भूत प्रेत है वो प्राइमरली एसेंशियल आपकी बुरी आत्माएं हैं। तो अगर भूत प्रेत आपके भारी हो गए, इन सेंस मजबूत ज्यादा हो गए, पूरे वायुमंडल में भूत प्रेत छा गए, तो फिर आप क्या ही अच्छा सोचेंगे? क्योंकि उनका भी तो एक सोच है ना, उनके भी तो विचार है, वो भी तो वायुमंडल बना रहे हैं। आप उनके वायुमंडल में जाओ, उन्हीं की तरह सोचने लग जाओगे। वो इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इन्फ्लुएंस कितना है? जैसे एक मजाक की बात है कि हमारे हाईवे पे बोर्ड लगे हैं कि किंग का खाना चूक ना जाना। तो इतना साइकोलॉजी का प्रेशर आता है कि रियल में जब होटल आती है तो 2 मिनट चाय के लिए तो रुक ही जाते हैं, भले खाना खाए ना खाए। तो ये एक एडवर्टाइजिंग है, पर ऐसी रॉन्ग एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है जो हमें सनातन से बाहर लेके जा रही है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। जो आज का कल्चर खराब होता जा रहा है, ये हमारे बच्चों को, जनरेशन को खराब कर रहा है। गौ मांस खाने की बातें सिखाई जा रही है, ये बताओ एग्जैक्टली। और लोग उसको बड़ा गर्व से कहते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, गर्व से, और कहते हैं मतलब एग्जैक्टली। मेरे को तो पहली बार तो मांस खाना अपने आप में एक इशू लगता है, समझ रहे हो? और आप उस पे गाय का मांस, तो मतलब जो जिसको जिसमें 33 कोटी देवता का वास है और उसी को तुम मार के खाओ, वो तो अति है। ये तो अति है ना। तो ये अति, तो देखो अति का अंत क्या होता है? जब शिव भगवान देखेंगे कि इस ब्रह्मांड में अब कोई रस नहीं, कोई जाग नहीं सकता, सब मतलब माया भी बन चुके, 33 कोटि देवता भी खत्म हो गए, मतलब वो भी एकदम मनुष्य बन के जड़ बन गए हैं, तब इस उसी दिन हाँ उम्मीदें खत्म हो जाएगी। देखो उम्मीद खत्म ना हो इसीलिए शिव ने और विष्णु ने कितने अवतार लिए, 24 अवतार शंकर जी के हुए, 28 अवतार विष्णु के हुए, 24 और 28। तो ये अवतार क्यों हुए? मानव जात को बचाने के, कि असुरों से आतंकों से बचे। पर जब उम्मीद ही खत्म हो गई कि ये तो गधा सुधर ही नहीं सकता, तो भाई इस ब्रह्मांड को वाइंड अप करो अभी के अभी, काल प्रलय, भगवान विष्णु जो है 12 सूर्यों का प्रकाश धरती पे आएगा तो क्या होगा? एक ही सूर्य में 50 डिग्री पहुंच जाती है, तो 12 सूर्य से 600 डिग्री हो गई, क्या होगा? 5 मिनट में पूरा। और फिर उसके बाद शिव नई सृष्टि कर, फिर नई सृष्टि बनाएंगे, और फिर जो जिस योनि में है उनको फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नई सृष्टि अच्छी पावर देके फिर अच्छा। यानी थोड़ा सा अलग थॉट है, बट ये जो आपने बताया ना, इस पे एक्चुअली मेरे को एक कविता याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की। अच्छा। उसमें एक लाइन है बहुत प्यारी कि राह कौन सी जाऊं मैं। हाँ। उसमें असेंशियली कभी दुविधा में है कि कौन सी राह जाऊं, तो वहां पे वो कहता है कि तिनके उजड़े हुए समेटूं या नव सृष्टि रचाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। मतलब कि जो चल रहा है उसी को मैनेज करके सुधारने की कोशिश करूं, या फिर एक उम्मीद आएगी इसको हटाओ, सब कुछ हटाओ, साइड में दोबारा से नया बना रहे। यही हुआ है, हमारे बापूजी बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कितनी बार बना और कितनी बार खराब हुआ। तो जितनी बार हम एक ही मिट्टी को बार बार उसी का ही घर बनाएंगे, तोड़ेंगे, तो वो मिट्टी की हालत खराब हो जाती है। तो आज हमारे यहाँ का भी यही बात, आखिरी में प्रभु बोलता है कि सब कुछ हटाओ नया बनाएंगे। बापूजी बता रहे कि पिछले कलयुग में धरती पे 250 करोड़ से ज्यादा आत्माएं नहीं थी, मनुष्य नहीं थे, और आज 800 करोड़ से भी ज्यादा हो गए इस कलयुग में। तो हर कलयुग की एक अलग सिचुएशन है, ये चक्र चलता रहता है, भार जो है वो बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता है, क्योंकि वही मनुष्य सतो प्रधान नहीं हो पाते, तो फिर क्या होता है, तमो प्रधानता बढ़ती। हम देखते हैं ना, एक माँ बाप ने अपने बच्चों को रात को जहर पिला दिया, खुद भी जहर खा के मर गए, तो क्या हुआ? वाइंड अप कर दिया अपनी क्रिएशन। तो शिव भी तो कर सकता है ना, जब देखेगा कि अब यहाँ तो कुछ सार नहीं है, देवता सुधर नहीं रहे हैं, बस और अपने पावर को लॉस करते जा रहे हैं। दुनिया देखो, इंद्र भगवान का काम था ये दुनिया को कंट्रोल करना, 3 लोक का मालिक राजा इंद्र था, लेकिन जब वही बुरे कर्म करेंगे तो वो भी अजगर योनि में 10,000 साल रहे, तो बताओ सामान्य मनुष्य का क्या होगा? देवता भी है, उनके अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था, और मनुष्य में भी है, क्या फर्क है? सिर्फ वो 3रे लोक में है, वो अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं, और हम मनुष्य बन के यहाँ भोग कर रहे हैं। तो देवता बनना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बनना, शिवत्व को प्राप्त बनना, शिवो हम सर्वो हम, ये स्टेज पे पहुंचना, वहीं परम शांति है। पर हम परम शांति को यहाँ फैलाना चाहते हैं कि देवताएं जागे, दिव्य आत्माएं जागे, अपने स्वरूप को पहचाने। जी, तो मतलब आत्मा का जो अंतिम गोल है वो शिव को प्राप्त करना है, शिवत्व की प्राप्ति, शिव समान बनना। अगर वो पहले महाशिव की आत्मा थी तो वो महाशिव बनना, अगर वो परम महाशिव की आत्मा थी तो परम महाशिव बनना। जैसे मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी लोक पे अनंता अनंत आत्माएं आई हैं, कोई शिव कोई तो बाबूजी बोलते हैं कि यहाँ पे धरती पे जो आत्माएं ज्यादातर शिव वाली आत्माएं हैं, बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं, और 33 कोटि तो है ही, दिव्य आत्माएं तो है ही, लेकिन वो महान आत्माएं भी हैं धरती पे,
इसीलिए हम अपने आप को कभी भी जीव ना समझे, अपने आप को कभी 84 लाख योनि का जीव ना समझे। देखो मन कितना भी तुम्हें करोड़ों बार गिराए तो भी याद रखना तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। और आत्मा एक दिन अपने मन को बदल लेती है स्व परिवर्तन से, ज्ञान से, ज्ञान मार्ग में चलने से, पुरुषार्थ करने से, आत्मस्वरूप का अभ्यास करने से। ये हमारे बापू जी सिखा। तो जैसा कि हमने बात की अभी आत्माओं के डिग्रेड होने की और जो अच्छी आत्माएं उनके कमज़ोर होने की, तो क्या आपको लगता है कि मतलब निकट भविष्य में प्रलय सामने खड़ी है धरती के? देखा जाए तो वाकई में प्रलय तो खड़ी है हमारे सामने। और इस धरती पे जो माहौल हम देख रहे हैं, युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। इस धरती पे करीबन 4,500 युद्ध हुए जिसकी गिनती की गई है। त्रेता और द्वापर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देवता दानव का युद्ध तो बहुत पुराना है। सिर्फ सतयुग था, जब सत्य का युग था तभी शांति थी, परम शांति थी। बाद में तो त्रेता और द्वापर में देखो कितने युद्ध हुए, भगवान राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा असुरों को खत्म करने के लिए। और ये जो समय है, अब जैसे ही बोलते हैं कि कलयुग में कल के अवतार होंगे इनको, लेकिन इतनी ऊंची आत्माएं, मतलब ऊंची मतलब बाहर की इतनी पावरफुल आत्माएं हैं, 100-100 कला की आत्माएं आई है, ज़्यादा पावर वाली, और वो इतनी नेगेटिव भी आई हैं। कला मतलब पावर, जो आत्मा का रचयिता जब बनाता है तो वो अपनी ही पावर से उसे बनाता है। तो जो आत्मा की दूसरी ब्रह्मांडों से आई हुई जो आत्मा है, जो एलियन है, इतने खतरनाक भी है उसमें, कि वो पावर के चक्कर में जो है वो हमारे को भी मारना चाहते हैं और इस पृथ्वी को भी तबाह करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो देख ही रहे हैं कि एक दूसरे को कोई शांति से जीना नहीं चाहता, सब लड़ा क्योंकि मैं इस पर कब्जा कर लूँ, ये हो रहा हूँ। मुगलों ने कितने देखो 200 सालों में 500 सालों में क्या हुआ, भारत की क्या हालत रही। हाँ, अभी हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा समय है, वैसे देखा जाए तो कभी हमें कोई युद्ध तो नहीं कर रहा, लेकिन कब तक। और दुनिया के दूसरे कोनों में तो हो ही रहे हैं हमारे। हाँ, 200 देशों में कितनी लड़ाइयाँ हो रही है आपस में, कोई किसी का नाम लेके सुखी नहीं। तो ये जो तमोप्रधानता हर मनुष्य में बढ़ रही है, तो विदेश के लोग तो और ही तमोप्रधान है, किसके मन में क्या चलता है क्या ही पता। तो ये विनाश तो सामने खड़ा है। अब मनुष्य इसे पहचान ले, उस समय को अपने आप को जान ले कि भाई ये शरीर रहे ना रहे, मैं सदा काल के लिए अगर सुख चाहते हैं, अनंत काल का सुख चाहते हैं, तो अपने आप को जाने, अपने स्वरूप को जाने, और जब भी धरती पे कोई भी सिचुएशन आए तो सीधे अपने परम धाम में अपने परमात्मा के पास पहुंच जाए। नहीं तो फिर धरती पे ये तो फिर प्रलय शुरू होगी। हाँ भाई, जब खत्म होगी पता नहीं कब होगी, ये तो कितना समय चलेगा राम जाने ये सब चीज़ें, तो पर प्रलय तो सामने दिख रही है, इसको तो कोई ना कह ही नहीं सकता। और ये कितना दूर है ये प्रलय का, लगभग कब? देखो ये तो ऐसी बात हो गई कि मनुष्य का मृत्यु कितना दूर है, समझे बात होगी पक्का, कब होगी पता नहीं है ना। जैसे कहता है ना, ये शरीर तो नाशवंत है, होना निश्चित है पर एग्जैक्ट तारीख नहीं बता सकते। शास्त्र में लिखा है कि बच्चा पैदा होता है कब मरता है राम जाने, 100 साल का आयुष्य है, लेकिन आप देख रहे हैं कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में, कोई 10 साल में, कोई तो मृत्यु निश्चित है, तो धरती का समय भी एक निश्चित है। हालांकि कलयुग का समय शास्त्र के हिसाब से 4,27,000 साल बाकी है, लेकिन स्टीवन हॉकिंस कहते हैं कि धरती के पास 100 साल भी नहीं है। मतलब उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और इस तरीके की बात की, लेकिन अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से, तो भाई 5-10 साल से तो ज़्यादा मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया का भविष्य। अगर तो देवता जागते हैं तो वायुमंडल शुद्ध होगा, तो पॉजिटिव परिवर्तन होगा, फिर यहाँ पर धरती जो है ये परम प्रकाश की बनेगी, परम लाइट की बनेगी, और सदा काल के लिए सब हमारे बनेंगे, अगर तो ये पॉजिटिव परिवर्तन होता है, तो दिव्य आत्माएं जागती है, तो नहीं तो प्रलय तो है ही, और 5-10 साल में आप देखेंगे। अभी तो बोल रहे ना 2024-25-26 हमारे बापू जी का वीडियो है कि 24-25-26 सबसे चैलेंजिंग समय रहने वाला है मानवता के लिए। हमने कोविड टाइम तो देखा, किसको पता नहीं था क्या होने वाला है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और जो कुछ भी था कुछ काम नहीं आया जी, मनुष्य ने देख लिया। अब यही समय जो है आने वाले समय में हम देखेंगे किसी और फॉर्म में, कैसे भी सभी लोग नेगेटिव माइंड वाले डिस्ट्रक्शन के लिए पूरा तैयारियां कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे वायरस लैब में बन रहे हैं, इतनी बुराइयां, माइंड तो कंट्रोल हो ही रहा है। देखो एआई आपको ला के दे दिया कि बहुत अच्छा है एआई, यूज़ करो, लेकिन हम पूरे दिन बुद्धि इसी में चिपकी रहती है मोबाइल में, तो आप तो हो गए ना इसके कंट्रोल में, एआई के कंट्रोल में आ गए आप। अब जो तुम सोचोगे वो एआई पकड़ेगा, वही एडवर्टाइज आपके सामने आएगी, वही चीज़ आपका लेने का मन करेगा और आप करप्ट हो जाएंगे।
तो करप्ट हो रहा है ना, एसेंशियली कंट्रोल कर रहा है आपको पूरा वो, मतलब आईआई का मतलब अभी तक सोशल मीडिया वगैरह ने ही इतना कर लिया था, बहुत एक काफ़ी हद तक आप उनकी जकड़ में थे, एआई तो नेक्स्ट लेवल है। भगवान कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को कि ये मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करो और स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ बनेगा, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो विश्व का कल्याण करेगा। लेकिन हम स्थित प्रज्ञ ही नहीं बन रहे तो विश्व का कल्याण कैसे करें? हम तो अपने ही कल्याण में भरे हुए, हम तो इसी में सुख ढूंढ रहे, इसी में सुख ढूंढ रहे, मिल रहा है दुख जी। पर हमारी बुद्धि बंद हो गई है कि भाई ये फंसा रहा है, लेकिन फिर भी हम रोज लगे रहते हैं इसमें। तो ये टेक्नोलॉजी हमें डाउनग्रेड कर रही है। जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपका जो, देखो गीता में यही बोला है कि जो सुख और दुख से सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता वो सुखी नहीं हो सकता। तो आज हमारा यही है ना कि सुख और दुख में अंतर नहीं कर रहे तो सुखी कैसे होंगे? अब सुखी नहीं होंगे तो भाई हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा? हम स्थित प्रज्ञ कैसे बनेंगे? विश्व का कल्याण कैसे करेगा? अरे विश्व कल्याण या बाद में, अपना कल्याण कैसे करेंगे? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी अच्छी, जो विवेक है जिसके पास, जैसे पागल हाथी सामने आ रहा है तो तुम्हारा विवेक है, यूज करना है कि भाई साइड में हो जाओ, उससे लड़ने न जाओ, उठा के फेंक देगा, इतना तो विवेक है ना। तो यही चीज अगर ओवरडोज यूज होंगे तो क्या होगा? ये तो जहर है। तो मनुष्य तो फिर जो ऐसे लोग हैं वो इसी में बुद्धि फंसी रहेगी, वो पतन की ओर है। तो इसीलिए विनाश सामने है। जो लोग ये विवेक यूज नहीं करेंगे वो विनाश को जाएंगे। कब तक तुम सुख के साधन के पीछे भागोगे? उसका भी तो समय होता है ना। एंडलेस रेस है मतलब। इवन हमारे तो 51 के बाद बोला कि भाई अपनी आत्मकल्याण के लिए तुम वन वास करो, वन में जाओ। भले हम वन में ना जाए पर बुद्धि से तो चीजें छोड़े। वानप्रस्थ आश्रम जो मतलब कॉन्सेप्ट है जो सनातन में जी, कि बुद्धि से ब्रह्म का ध्यान करे, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़े 51 के बाद। लेकिन 51 के बाद तो माया बढ़ जाती है, रिटायरमेंट होगा, पैसे आएंगे ना, बैठ के खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे होंगे, फिर पोते पोतियां होंगे, फिर पोते पोतियां खिलाएंगे, वो सब चीज से बात। यही बात है कि मन के, मन का सुख लेना इंसान को नहीं है। एक सवाल और था मेरे मन में आजकल, जैसे अपन ने आत्मा की बात की, आपने आत्मा की बात की, अब एक ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा पॉपुलर हो रहा है। एसेंशियली लोगों ने उसको भी रोमांटिसाइज कर दिया है कि जैसे एक शरीर दो जान टाइप से होता है ना, मतलब सॉरी एक जान दो शरीर टाइप्स की, वैसे ही कि दो आत्माएं होती हैं जो पेयर में होती हैं इन सेंस। क्या मतलब सही में होती हैं या ज़बरदस्ती प्रेम का तड़का लगा के उसको रोमांटिसाइज कर दिया गया, या सही में पेयर में आती हैं? ये सब विदेश वालों ने इसको किया है बहुत लाने के लिए, और बहुत सारे लोग इस पर बात भी करते हैं। देखो जो भी करते हैं वो लोग, लेकिन अगर इसको, अगर आपको रियल में कंसेप्ट समझना है तो पहले सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल चीज बनी है, विचारों से दुनिया बनी है, ब्रह्मा के विचार से दुनिया बनी है। तो जब हम निराकारी थे, जब हम जैसे भगवान शिव भी स्वयंभू थे, तो उन्होंने अपने संकल्प से दुनिया की रचना करने का संकल्प किया। तो ऐसे ही जब हम निराकारी रूप में थे तो हम एक आत्मा थे, तो हमने संकल्प करके पुरुष ने प्रकृति बनाई शास्त्र के अनुसार। तो जो पहली उनकी रचना बनी, पुरुष ने जो प्रकृति बनाई, तो एक में से दो अस्तित्व बने, आत्मा में से आत्मा बनी, एक में से दो बने। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, इतने करोड़ों साल में वो भी, उसका अलग अस्तित्व रहा, उसका भी अलग, उसका भी फ्रीविल, उसका भी फ्रीविल, उसने भी बहुत सारी रचना की, इसने भी बहुत सारी रचना की, और रचना करते 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 कर्म बंधन में हम फंसने लगे। अब जब वो धरती पे आ गए तो धरती पे भी उनके हजारों लाखों जन्म हो गए, और कई पुरुषों के, कई स्त्रियों के साथ संपर्क रहे, और कई स्त्रियों के कई पुरुषों के साथ। अब रियल में जो तुम एक थे, एक में से दूसरे निकले, वो तो मिलना ढूंढना तो इम्पॉसिबल हो गया जी। क्योंकि जिस चेतना की अवस्था से तुम अलग हुए थे, वो चेतना की अवस्था तुम जब तक नहीं पाओगे तब तक उसे वो तुम्हें नहीं मिलेगी। ओके ओके जी। तो अब और वो चेतना आप खो चुके हो, चेतना खो चुके हैं। अब क्या हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बढ़िया दिख रहा है चलो इसके पीछे पढ़ते हैं, ये अच्छा लग रहा है चलो इसके पीछे पढ़ते हैं। लेकिन ये सब क्या है, वासनाएं। आज अच्छा लगता है, कल ईगो टकराएगा, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, इवन मैरिड लाइफ में होता है। तो जो प्रेम था, प्रेम से पहचान होती है, लेकिन प्रेम तो रहा ही नहीं। अब प्रेम नहीं रहा तो अब क्या होगा, ईगो से लड़ाइयाँ हो रही है, घर लोगों के बर्बाद हो रहे हैं, आज शादी कल डिवोर्स,
तो ये ट्विन फ्लेम वाला जो कंसेप्ट अध्यात्म में समझे तो ऐसा था, लेकिन अब धरती पे ट्विन फ्लेम वाला कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सब तमोगुणी बन चुके हैं, चेतना खो चुके हैं, उस लेवल की चेतना है नहीं। तो तुम कर्म बंधन में फंस गए ना, दुख का कारण ये है कि तुम इतने कर्म बंधन बनाए, इतने पिछले, क्योंकि अनंत काल में अनंत जन्म हुए और अनंत पुरुषों से संपर्क रहा, इवन हजारों बच्चे अलग मिले, हजारों पति अलग मिले, हजारों माँ बाप अलग मिले, और इसमें क्या हो गया, मिक्स वेजिटेबल, कुछ ढूंढ ही नहीं सकते, सच्चा बंदा तो तुम्हें मिलना ही मुश्किल है इधर। तो एक लक्ष्य के साथ अब तो सिर्फ आत्म कल्याण के ऊपर कार्य करना चाहिए, जो तुम्हारा ट्विन फ्लेम होगा जो भी है वो ऊपर जाके मिलेगा, बापूजी तो यही बोलते हैं। बाकी हमारा एक वीडियो है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा, तो वो वीडियो में यही बाबूजी ने बताया कि पति पत्नी के पिछले जन्म के जो कर्म बंधन थे, जो क्यों वो वापस कहते हैं ना 7 जन्मों का, उस वीडियो का लिंक पक्का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज देखिएगा जी। तो ये 7 जन्मों का साथ ही रह गया, क्योंकि ये तो अनंत जन्म का था, बस अब लोग 7 तक सीमित है, और अब तो लोग बोलते हैं भाई तू इसी जन्म में काम खत्म कर, अगले जन्म में कोई अगले में जाना ही नहीं है, मतलब तुम्हारे साथ नहीं जाना जी। तो अनंत जी, जैसे आपने बताया कि आत्माओं का डिग्रेडेशन हो रहा है, और जो असेंशली हमें जो ज़रूरत है वो, जो हमें अगर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें आत्मा के शुद्धिकरण की ज़रूरत है। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि उसकी ज़रूरत है, पर एग्जैक्टली करें कैसे अंतःकरण का शुद्धिकरण, तरीका क्या है उसका? देखो जी, हमारे आत्मा मन, आत्मा बना है मन बुद्धि और संस्कार से, मन बुद्धि और संस्कार, हमारी आत्मा जो है उसी से मन बुद्धि और संस्कार चलता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही जानते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मतलब हम मन को ही प्राधान्य समझते कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो उठ के चला। अगर ऐसे सोचने वाले बच्चे हमेशा फेल होते हैं जिसने मन को प्राधान्य दिया, और ऐसे ही पुरुष जो मन के ऊपर ही चलते कि यार ये नहीं अच्छा, ये है, ये है, ये है, तो वो फेल हो जाते जीवन में, क्योंकि मेहनत नहीं करते। तो जिसने मन को, मन के चक्कर में पड़ा ना, वो फंसा। तो मन से ऊपर उठना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को मित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि मन ही करता, मन ही भोगता सुना है, मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है, दोनों साइड मोक्ष का वही कारण है। तो मेन चीज अब समझ में आ गई कि मन, अब मन को शुद्ध कैसे करें। तो मन को शुद्ध करने के लिए आपको आत्मज्ञान की बातें सुननी पड़ेगी। जो मन के अंदर कर्मों का बंधन पड़ा है, कूड़ा कचरा भरा है, जो अज्ञान भरा हुआ है कई जन्मों से, उसको शुद्ध करना पड़ेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और ऐसे पॉजिटिव बातें सुन सुन के, जो मन बुरी बातें सुन सुन के वासना युक्त हो रहा था, वही मन अच्छी बातें सुन सुन के शुद्ध होने लगे, अंतःकरण शुद्ध हो। आप खुद अपने आप में देखोगे भाई कि मैं बदल रहा हूँ, मैं तो पहले ऐसे सोचता था, देखो आज मैं ऐसा हूँ, मैंने बुराइयाँ छोड़ दी, मैं बुरा खा नहीं रहा ना पी रहा हूँ, मैं एकदम शुद्ध हो रहा हूँ, सात्विक बनता जा रहा हूँ, विचार शुद्ध होते जा रहे हैं। तो जब आप ये अभ्यास करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, जब कृष्ण ने अर्जुन ने पूछा कि मैं इस मार्ग पर चलते चलते बादलों की बाधित छिन्न भिन्न हो गया तो मेरा क्या होगा, तो भगवान ने कहा उनके शब्दों पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो इस मार्ग पर चलेगा उसका अधो गति कभी नहीं होगी, वो ऊर्ध्व गति ही होगी। तो यही सनातन का रूल्स है कि जो सत्संग करेगा, ज्ञान सुनेगा, ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, आत्म जागृति के मार्ग पर चलेगा, वो उद्वगति को पाएगा, उसका मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, और वो खुद देखेगा मैं कितना बदल गया भाई। सही बात है। तो ये है आध्यात्म जीवन में ले आओ, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा योग। मैं डेली मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11 अपने चैनल पे। तो वहाँ हम लोग पिछले 1100 एपिसोड में यही कर रहे हैं, कोविड टाइम से 4 साल से हर दिन हम यही कर रहे हैं कि भाई आत्मा की शुद्धिकरण के लिए रोज वेद उपनिषद में से अच्छी अच्छी स्टोरी ला के आपके सामने, आपके मन को शुद्ध करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, आत्म जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी दूसरी चैनल है जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी करवाती है मेडिटेशन, मैं रात को कराता हूँ 10 से 11। तो जुड़ने से, अच्छी अच्छी बातें सुनने समझने से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, मन बुद्धि और संस्कार शुद्ध हो गए, क्योंकि संस्कार अगर नहीं बदले, हम छोटे बच्चों को संस्कार कैसे सिखाते, ये बुरा ये नहीं करना, ये अच्छा यही करो, तो इससे क्या होगा, संस्कार अच्छे पड़े। परंतु जो पूर्व जन्म के संस्कार जब जागृत हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, वासना जागृत होती है, लेकिन फिर आपके पास एक फ्री विल का कांसेप्ट है। फ्री विल से नहीं, नहीं नहीं, मैं तो अच्छे घर का लड़का हूं, मैं बुरे काम नहीं करूंगा, आप उसको, उस इंपल्स जो आती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और करना चाहिए और कर सकते हैं। तो ये कब होगा, जब आपके मन में ज्ञान होगा। तो आपके मन में अज्ञान होगा, पिता पियक्कड़, माता बाहर घूम रही, तो क्या ही करेंगे बच्चे।
तो अगर आप अपने आपका और फैमिली का कल्याण करना चाहते हो तो ज्ञान मार्ग में चलो, डेली योग करो, डेली ज्ञान सुनो, अपने लिए समय निकालो, लोगों को खुश करना बंद कर दो, सिर्फ आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य कि मुझे मोक्ष पाना है। अगर अगर ज़्यादा बुद्धि नहीं है चलती, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे जीवन मुक्ति पानी है, मुझे परमात्मा के धाम जाना है, मुझे साकेत लोक जाना है, विष्णुपुरी जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, मेरे परमात्मा के पास जाना है, जितना बुद्धि में लगे। बाकी आत्म कल्याण तो हमारी तो स्टडी है, आत्मा से परम परम आत्मा बनना, जीव से शिव तक की यात्रा, ये ज्ञान मार्ग है हमारा। तो ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा। भक्ति तो हम करोड़ों जन्मों से करते आए हैं, लेकिन अब समय आया, ये मार्ग ज्ञान मार्ग में चलने का समय है, इसी से कल्याण होगा। ये आपकी ही वीडियो में देखा था मैंने कि भक्ति करना अच्छा है, जरूरी है, जैसा कि आपने कहा पहला से, पर वो काफी नहीं है, काफी है ना, मतलब इसके बारे में बताएंगे जो कॉन्सेप्ट भक्ति से। देखो मन शुद्ध नहीं होता, मतलब टेम्पररी शांति मिल जाती है, मन को शांति मिलेगी, मैं मंदिर में जाऊंगा आरती करूंगा, मन को शांति मिलेगी, लेकिन जो ज्ञान है मुझे कौन देगा, मुझे कौन मेरा कंसेप्ट क्लियर करेगा कि मैं कब से यहाँ पे हूँ, धरती पे क्यों फंसा हूँ, मेरे मुक्ति का कारण मैं खुद ऊपर मुझे नहीं पता जी। मेरे दुख का कारण मैं खुद लोगों को पूछ रहा हूँ, मेरे दुख का कारण देखो हाथों में लकीरें देखो, तो मेरे ही कर्म जब मेरे को नहीं समझ में आएंगे तो मैं तो लोगों को दोष दूंगा ना, तेरा तेरी शकल देखी भैंस जैसी तो मेरा दिन खराब हो गया। हाँ, तो ऐसी ऐसी हमारी अज्ञानता ही रही तो ये क्या मंदिर में कंसेप्ट क्लियर होगा, ये तो कोई ज्ञानी महाज्ञानी कोई महापुरुष के सानिध्य में जाएंगे, कोई गुरु को सुनेंगे, कोई महागुरु कोई ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्म ऋषि को सुनोगे तभी तो ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए ज्ञान भक्ति बहुत जरूरी है। जब हम नास्तिक होते हैं तो भक्ति से शुरुआत होगी और भक्ति का फल हमें ज्ञान, फर्स्ट स्टेप वही है, उसके बिना जैसे नर्सरी नहीं चलती, पहले बिने पहले स्टैंडर्ड में ना जाओ तो दसवीं में कैसे एडमिशन होगा, तो पीएचडी में जाने के लिए जबरदस्ती 15 साल आपको जाना पड़ेगा। तो मैथ्स के पार्लेंस में कहते हैं कि इट इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, तो जरूरी है पर काफी नहीं है, उससे आगे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आत्म जागृति के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ेगा। हमारे बाबूजी ने 1.5 लाख घंटे से ज्यादा तपस्या की, हर दिन 16 घंटे तपस्या में रहते, साल में एक बार आधे घंटे के लिए मिलते, सिर्फ वो भी पब्लिकली, कोई पर्सनली नहीं मिल सकता, कोई भी कारण से नहीं मिल सकता। तो आप सोचिए, आप भी नहीं, मतलब परिवार भी नहीं, हम तो मिलते हैं, बाहर के लोग, जैसे वो कहते कोई दर्शन करने आ गया, भाई दर्शन नहीं करना है, पहले ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनोगे आत्मा का कल्याण होगा, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आना, साल में एक ही बार बस। तो ऐसी लाइफ बनानी पड़ेगी तो ये दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान मिलेगा ना, तभी तो आप अनंत लोगों का, क्योंकि ये जो ज्ञान है आने वाले समय में यूनिवर्सल होने वाला है जी। दुनिया की तमाम आत्माएं सुनेगी ढूंढेगी, क्योंकि अब क्या करें, बच्चे कैसे ही वर्ल्ड वॉर से तो ढूंढेंगे नहीं। कोरोना में क्या था, हम लाइव मेडिटेशन कर रहे थे, इतने लोग आते थे, अब जब से कोरोना गया सब अपने माया मस्ती की, अब क्या करना है, हाँ तो टेंशन था ना कि अब क्या होगा, कल मर गए तो क्या होगा, सब प्रॉपर्टी होगा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मरने वाले लोगों को कोई पूछता नहीं था, हॉस्पिटल से सीधे गायब, कोरोना हुआ घर से गायब बंदा, जब मोह माया सब खत्म हो गई थी, बोलने वाली बातें हैं ये सब, लेकिन रियलिटी देख लिया हमने, हमने भूकंप के समय में गुजरात में आया तब हमने देखा रियलिटी, फ्लैटों में रहने वाले सब नीचे बैठ के एक एक महीना ऊपर नहीं जाते थे, एक मिनट में तो ताला खोल के चीज लेके आ जाते थे, सोने नहीं जाते थे, सब चद्दर बिछा के सोते, ऐसे समय देखे हमने। तो इसीलिए मानव जात को जागने का समय है। इस तरह के जो घटनाएं जो मोमेंट्स होते हैं वो आपको रियलाइज कराते हैं कि ये जो कुछ भी है ये सब मतलब फ्यूटाइल है, कोई पॉइंट नहीं है इसका, कोई पॉइंट नहीं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, नाशवंत है, भगवान यही तो कह रहे कृष्ण कि ये जो सत्य है उसको जानो, जो आत्मा है वही सत्य है। तो मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, तो हे पार्थ आत्मा की चिंता कर, अपने परलोक को सुधार। हम किसी को बोलते हैं परलोक सुधार अपना, बोलते नहीं है पर बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना कि आत्मा को जगाओ भाई, आत्मज्ञान लो, थोड़ी बुद्धि को बदलो, अपने संस्कारों को बदलो है, और अपने परलोक को सुधारो ताकि मृत्यु के बाद सीधे परलोक। तो फोकस जो है जीवन का वो इसी लोक पे सीमित है, मतलब इससे आगे की सोच, दृष्टि यहाँ है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर कोई रोल्स रॉयस आने के चक्कर में ही मर गया तो अगले जन्म में फिर वही संस्कार से साथ पैदा होगा, फिर पैदा होते ही रोल्स रॉयस घुमाना शुरू करेगा खिलौने में, यही बात है। तो ये सब जीवन मृत्यु एक जरा व्याधि है, जो जाने वो जाने। अनंत जी एक और सवाल था मेरे दिमाग में काफी वक्त से, बापू ने एक बहुत
पुस्तक लिखी है ना, लाइफ इन मल्टीवर्स। और आज के इस वक्त में देखें तो मल्टीवर्स पे बहुत चर्चा हो रही है, इवन साइंटिस्ट आर टॉकिंग अबाउट इट, ऑफ कोर्स फिलोसफर्स आर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, हर कोई मल्टीवर्स की बात कर रहा है। बापू ने भी किताब लिखी है उसके ऊपर, आई एम श्योर आपको तो उस पर काफ़ी कुछ बापू से सीखने का मौका मिला होगा। तो ये मल्टीवर्स क्या है, क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और ये क्या वहाँ पर लाइफ है, इसके बारे में बताएंगे कुछ? बापू जी अपने हर वीडियो में बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारा जीवंत है। जीवंत है, लाइव है, मतलब राइट, मतलब जहाँ पे आत्माओं का वास है, जहाँ जहाँ आत्माएं हैं। तो ये उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड देखे, उन्होंने ऐसे अनंता अनंत मल्टीवर्स भी देखे, जिसको साइंस मल्टीवर्स कह रहा है उसी को बापू जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा। और उन्होंने वहाँ पे न सिर्फ देखा, वहाँ के रहने वाली आत्माओं को भी देखा, वहाँ जिसको हम एलियंस बोलते हैं उनको भी देखा, उनके उनके जो तत्व है वो भी देखे, उनकी जो सोच है वो भी परखी। क्योंकि सूक्ष्म जगत में ये सभी चर्चाएँ होती है ज्ञानगंज में, दिव्य जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, ये ज्ञानगंज में, मतलब हिमालय से ऊपर जो 2 किलोमीटर का एरिया है उसमें वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, दिव्य आत्मा इस पर चर्चाएं करती है, वहीं से प्रिडिक्शन निकलती है, वहीं से सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में इंफॉर्मेशन आती है। जैसे आज बोलने लगे ना 3 साल में ये होगा ये होगा, सभी लोग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत ये देख रहा है, सूक्ष्म जगत में ये बातें हो रही है। तो बापूजी पूरा सूक्ष्म जगत देख रहे हैं। और ये जो हमारी ये बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो हमने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। ये बुक जो है लगभग 12-13 भाषाओं में आ चुकी है और फ्री में अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है paramshanti.org, जिसकी आप लिंक डालिएगा, जिसमें से ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कि देखो हमारे हमारे शास्त्रों में, वेदों पुराणों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों के बारे में बात हुई है, तो यहाँ क्यों कोई नहीं कर रहा है? वहाँ जीवन है तो क्यों का चर्चा नहीं हो रही है? क्यों हम साइंस को ही पकड़ते हैं कि साइंस वाले बोले तभी हम माने? हाँ, तो साइंस वालों ने तो बताया भी 20-30 सालों से कि इतनी गैलेक्सियाँ हैं, इतना सब कुछ है, तो एलियंस भी हैं, और आज साइंस भी मानती है, और सब कुछ बात अब प्रूफ होता जा रहा है। तो ये बुक आप जरूर से पढ़िए, आपकी आत्मा का, क्योंकि आपका चेतना का विकास होगा तो अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है कि उसको फ्यूचर का नहीं पता कि मैं कितना बड़ा वकील बनूंगा या मैं कितना बड़ा मेरा ग्रोथ होगा। अभी तो माँ बाप बोलते हैं कि अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अभी तो वो छोटी स्टेज में ना, तो हमारी चेतना छोटी है तो हम छोटा ही समझ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे तो चेतना का विकास होगा, तब हम अपने दिव्य स्वरूप को जान पाएंगे। जैसे बोलते ना Type 3 में तो हम पूरी गैलेक्सी को हब करके उसका पावर ले लेंगे, नई गैलेक्सी बना देंगे साइंस वाले, कई लोग ऐसी बात करते हैं, तो ये सच है। परम महाशिव की आत्मा है तो 1 सेकंड में ऐसी गैलेक्सियाँ बना दे, इतनी आत्मा में पावर है, क्योंकि जो भी स्थूल चीज़ दिख रही है वो उसके पीछे सूक्ष्म पावर तो है ही। अब पावर किसका है? जो चैतन्य आत्मा है उसका। जैसे धरती पे पड़ा हुआ पत्थर अपने आप नहीं हिल सकता ना, तो इतने सारे पत्थर हवा में कैसे उड़ रहे हैं? कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई तो है ना। फिर हमारे ग्रहों की बात आ गई, मंगल, गुरु, शनि, तो वो देवता थे, गुरु देवता गुरु ग्रह में रहते थे, शुक्र देवता शुक्र ग्रह में रहते थे, पूरा जीवन पूरा ब्रह्मांड लाइफ था, सबकी अपनी अपनी रचना रहती थी। तो ये पूरा लाइफ इन मल्टीवर्स है, हर जगह जीवन है, पर यही सबसे बड़े दुख के कारण कि ये पूरा मल्टीवर्स मृत्युलोक बन चुका है, और दूसरे मल्टीवर्स पूरे परम तत्व के, परम लाइट के, वहाँ पे कभी भी मृत्युलोक नहीं बनाए। ओके, हमारा ही जो मल्टीवर्स है वो मृत्युलोक बना, हमारा यूनिवर्स मृत्युलोक बना, हमारा सोलर सिस्टम मृत्युलोक बना, और जहाँ पे बार बार ये चक्र चलते ही रहते हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर प्रलय होगा, अर्थ प्रलय होगा, कल प्रलय होगा, महाकल्प प्रलय होगा, तो यही में फंसी हुई आत्मा, ये पहली बार ही बहुत बड़ा कंसेप्ट दुनिया के सामने आया है। और एक जैसे अभी एक सवाल और है शायद कि ये जो पुनर्जन्म, बिकॉज जैसे होता है आत्मा का साइकिल में घूम ली, मतलब असेंशियली हम पुनर्जन्म ले रहे हैं बार 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 बार, तो ये पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल पुनर्जन्म हो रहा है, साइंस ने प्रूफ किया है, इतने लोगों को हिप्नोटाइज करके पता किया है, कई लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है अपना पुराना घर, पुराने माँ बाप, रियल में पकड़ के उनके माँ बाप को जाके पूछा है जहाँ वो घर की बातें करते थे। हाँ, तो ये हमारे हमारे भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिन्होंने पूरे जन्म के ऊपर पूरा काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे, और उन्होंने माना है। अब तो पूरी दुनिया के सभी धर्म के लोग बोलते हैं पुनर्जन्म होता है। हाँ, तो ये तो सनातन में पहला ही कंसेप्ट है, गीता में तो लिखा है कि तुम बार बार जन्मोगे, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, भगवान बोलते हैं, तो पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। थैंक यू सर, बहुत
अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। आपने वक्त दिया, काफ़ी लंबा वक्त दिया, और सच है कि मैं काफ़ी चीज़ें समझ नहीं पाया। मैं एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को, पर वो शायद मेरी अभी कहते हैं कि जैसे चेतना का जो लेवल है वो उतना है नहीं। और मैं मानता हूँ पिछले कुछ सालों से थोड़ा पहले से शायद मैं सुधरा हूँ, बट हाँ अभी काफ़ी लंबी जर्नी है जाने की, और आगे भी आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का सानिध्य रहेगा तो ज़रूर मैं ना कुछ होपफुली विल अंडरस्टैंड इट बेटर। और आई एम श्योर कि एक पॉडकास्ट काफ़ी नहीं है इस पूरे डिस्कशन को, एक बहुत ये तो बहती गंगा है, जितना आप सोचोगे उतना ही इसका निरंतर बहना ज़रूरी है। तो आने वाले वक्त में भी आपका वक्त लेंगे और आपके साथ और फ्यूचर पॉडकास्ट भी करते रहेंगे। आई एम श्योर ऑडियंस, अगर आपकी भी इच्छा है कि फ्यूचर ऑडियंस की एक पॉडकास्ट और किया जाए सर के साथ, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा और आप सर से दोबारा अनुमति लेंगे और दोबारा जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना इंटरेस्ट लिया और आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए पहला पॉडकास्ट बनाया। आप ऐसे ही पॉडकास्ट बनाइए, लोगों को जागृत करिए, क्योंकि ये समय सभी को, यही समय की डिमांड है आत्मा को जागृत करने का। और सभी श्रोताओं को कहूँगा कि हमारी जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें 7.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, आप हमसे जुड़िए और आत्मा का कल्याण करिए। बाकी तो आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से इसको शेयर करिएगा, इस वीडियो को हो सके इतना पावरफुल दुनिया तक पहुँचाइए, क्योंकि ये समय की डिमांड है अपने और अपनों को जागृत करने के लिए। सिर्फ ये एक पॉडकास्ट से उनकी अंतर आत्मा जागृत हो सकती है। जी आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति। परम शांति। हाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको पसंद आया। अगर हाँ तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर ना तो प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए, हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू।